यार दिमाग में ना सिर्फ एक चीज़ बस गई है मेरे, वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब इरिटेट हो गया था मैं उससे, बट मैं तो इरिटेट हुआ वो बात अलग है, बट यहाँ पे जो हमारे साथ फिल्मी बीट की जो जनता है, हम उनसे भी पूछ लेते कि उनके क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेके, मतलब ट्रेलर को लेके। तो चलिए दीदी 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 हेडफोन तो उतारो। कैसा लगा ट्रेलर आपको? मलंग? हाँ बकवास सा यार। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि कुछ होगा इंटरेस्टिंग सा, कुछ मज़ेदार होगा, लेकिन इतना बकवास लगा। मुझे मारने की आदत है, मुझे मारने का नशा है, मुझे ये है मुझे वो है, मतलब मारने भी क्यों तले हुए। और आशिकी 2 से एक्सपेक्टेड था कि हाँ मोहित सूरी कुछ इतने साल बाद पिक्चर लेके आ रहे हैं, कोई ढंग की होगी। वो जो मुझे पोस्टर वाला किसिंग सीन अच्छा लगा था, लगा था कि कुछ रोमांटिक होगा, लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो मरने मारने पे तुले हुए हैं यार। कुछ कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है मूवी की, टट्टी टाइप से लगा। अरे 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 ये तो गंदा कर दिया, मजा नहीं आया मुझे। मुझे लगा यार आदित्य रॉय कपूर है, हैंडसम हंक है, बॉडी वॉडी दिखाई है, थोड़े से शर्ट भी फाड़ी है उन्होंने। बॉडी तो बढ़िया लग रही है पर हाँ यार सेक्सी लग, वही बस एक हॉटनेस थोड़ी सी फीलिंग हुई है। उसके पार्ट मुझे दिशा पाटनी से थोड़ी सी जलन जरूर हुई है, बिकॉज वो बहुत ही हॉट लग रही है, लेकिन पर ये क्या है कुछ। अनिल कपूर जवान लग रहे हैं यार, वो तो हमेशा ही लगते हैं, हमेशा ही मुझे बहुत जवान लगते हैं, लेकिन कुछ कहना वो एक्साइटमेंट नहीं है, किल कर दिया पूरा। मैम आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप बहुत ज़्यादा निराश है ट्रेलर देख के। बहुत ही बकवास लगा ट्रेलर एक्चुअली। पहले जब मैंने देखा था उसका एक पोस्टर आया था तो मुझे लग रहा था बड़ा अच्छा होने वाला है, लेकिन वो पोस्टर, मतलब उस पोस्टर को देख के मुझे लगा कुछ और भी कमाल का होने वाला है, क्योंकि वो पोस्टर बड़ा कमाल का था। उसमें वो दिशा पटानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ किस करते नजर आ रही थी, बाकी वो अंडर वाटर सीन कुछ समझ नहीं आया। मतलब लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता, किस विज भी बीच में है, काफ़ी कुछ इंटीमेट चीज़ें देखने को मिल रही, बस ऐवें ही रहा, कुछ खास नहीं लगा मुझे। मुझे लग रहा कि काफ़ी अच्छा होगा, अभी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं आदित्य जो हैं हमारे, बहुत हैंडसम हंक, लेकिन कुछ लगा नहीं। तो एक्साइटमेंट नहीं है मूवी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्साइटमेंट आई ट्रेलर देख के? ऐसी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन आदित्य रॉय कपूर के लिए एक जंप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी जो मूवीज़ हैं लो जा रही हैं, तो ऐसे में एक आदित्य रॉय कपूर के लिए करियर में काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जिस तरह से जोकर वाले अवतार में आते हैं, फिर अपना मास्क हटाते हैं, तो काफ़ी थ्रिलर टाइप मूवी लग रही है, मिस्ट्री लग रही है। और दिशा पाटनी एज यूजुअल काफ़ी ग्लैमरस रूप में नजर आ रही, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस बार भी जो सारा क्रेडिट वो लेकर जाने वाले हैं, ऐसा वो ट्रेलर देखकर लग रहा है कि अनिल कपूर लेकर जाएंगे विलन के रोल में। अगर मलंग के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मुझे काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, लेकिन मतलब उतनी अच्छा मुझे नहीं लग पाया, काफ़ी निराशा मुझे हाथ लगी है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि बहुत एडवेंचरस तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आदित्य रॉय कपूर नज़र आ रहे हैं और जो दिशा पटानी है काफ़ी एडवेंचर करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अंडर वाटर जो एक्टिविटीज़ है वो भी वो कर रहे हैं, स्टंट्स भी हैं, और लेकिन मुझे कुछ अनिल कपूर जो है उनका कुछ जो किरदार है वो समझ नहीं आ पा रहा है, और भी थोड़ा बहुत मुझे कन्फ्यूजन है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, क्या पता जो ट्रेलर जैसा बेकार सा मुझे लगा है, क्या पता मूवी अच्छी हो। मतलब ये फील नहीं आई? हाँ मुझे उतना मज़ा नहीं आया। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मूवी क्या था आपका? मुझे पर्सनली एक्शन फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मलंग में जो आदित्य रॉय कपूर का एक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और दिशा पाटनी का जो हॉट लुक है एकदम, वो बीच से आ रही हैं रेड बिकनी में, वो बहुत अट्रैक्टिव था। तो मूवी का मेरे को बहुत टाइम से इंतज़ार था, तो मेरे को लग रहा है मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर और दिशा पाटनी का, वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो उम्मीद है मूवी अच्छी होगी। मैं तो ज़रूर जाऊँगी मूवी देखने, तो आप लोग भी ज़रूर जाएँ मूवी देखने। पिक्चर का ट्रेलर कैसा लगा? कर दिया। मतलब मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बकवास थी, इसलिए ये रिएक्शन है। सर कोई जवाब? नो कमेंट प्लीज। जो मूवी है, जो ट्रेलर है, ट्रेलर बेसिकली ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे एक्शन मूवी हो बिल्कुल, और उसमें थ्रिलर काफ़ी है, काफ़ी जो एक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे किरदार उन्होंने चूज़ किए हैं फिल्म के लिए, जैसा जैसा ट्रेलर उसके हिसाब से, और एक्टिंग भी सही लग रही है। अब ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर को बहुत अच्छा सा बनाया है, उसको देखने के बाद पता चलेगा मूवी को कि कैसा रहा है मूवी, मतलब क्या उसमें सच में, क्या उसमें सच में कोई स्टोरी लाइन है भी या नहीं, या फिर सिर्फ मतलब ट्रेलर में ही सिर्फ दिखाया कि हाँ बहुत अच्छी है। कोई पंप मिला है ट्रेलर देख के एक्शन के लिए? एक्शन के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें ये है कि मतलब थ्रिलर, मैंने जैसे बोला कि थ्रिलर मूवी है, कि मतलब सस्पेंस भी है साथ में, कि चारों ही बोलते हैं कि जान लेना मेरा मज़ा है, मेरा नशा है, इस टाइप के डायलॉग्स बोलते नज़र आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब उसमें दिखाते हैं कि दिशा पटानी को कोई मारता भी है जान से, हाँ, तो उसमें एक तरह से मतलब
सस्पेंस बन जाता है कि आखिर है क्या ये स्टोरी, तो मतलब उसको जानने के लिए इच्छा होती है कि इस मूवी को देखना चाहिए एक बार तो. So, पक्का देखना चाहिए. टू वेट फॉर दिस मूवी? हाँ पक्का, मैं देखने जाने वाली हूँ. अच्छी लगी, मतलब देखने में तो फिलहाल मज़ेदार है, अच्छा लगा. रोमांस है, एक्शन है उसमें, और दिशा तो सबके दिल की रानी है, तो वो तो मतलब बेहद ही खूबसूरत लगी. और आदित्य की बॉडी देख के क्या फील आई? ऑब्वियसली हॉट है बंदा, एक्सप्रेशन ही काफ़ी है, मतलब एक्सप्रेशन ही काफ़ी है, और दोनों की जोड़ी भी काफ़ी काफ़ी क्यूट लग रही है. तो कोई एक्सपेक्टेशन इस मूवी से? फिलहाल तो नहीं, बट हाँ आने के बाद फिर पता चलेगा कि आखिर जो जैसा दिख रहा है, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है, क्या सच में वैसी है या फिर मतलब ट्रेलर ही मज़ेदार है, तो ये तो वक्त बताएगा. फिलहाल के लिए तो मज़ेदार है. मतलब सुन लिया भैया क्या है इनके कहने, तो सुनो एक बात मेरी भी सुनते जाना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड थैंक यू.